धरती पर चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन अगर चिकित्सक ही मरीजों खासकर प्रसूता के प्रति लापरवाह हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब एक प्रसूता को डिलीवरी करवाने के लिए परिजन नागरिक अस्पताल लेकर आए, लेकिन जब इसे चिकित्सकों की लापरवाही कहें या नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ढींगा मस्ती कि न केवल डिलीवरी से पहले ही नवजात की गर्भ में ही मौत हो गई बल्कि प्रसूता की हालत भी बिगड़ गई, जिसे डिलीवरी के लिए गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाना पड़ा जहां ऑपरेशन कर प्रसूता की डिलीवरी करवाई गई, लेकिन पता चला कि नवजात की गर्भ में ही मौत हो गई और प्रसूता का गर्भाशय भी फट चुका है, जिस पर परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और गुस्साए परिजनों ने नागरिक अस्पताल पहुंच जच्चा बच्चा गृह में बवाल काटा, जिस पर अस्पताल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। क्या हुआ था, कब लेकर आए थे बच्चे? जी 12 तारीख को लेकर आए थे। उसके बाद में बच्चे थे मेरे दो, रात भर यहीं रहे थे। उसके बाद में ये कहने लगे, 4 बजे चेकअप करवा के गई थी मैडम, वो बोली कि ठीक ठाक है, कोई नहीं, बच्चा होगा 8 बजे 10 ही बज सकते हैं। घर होया हो अभी कोई बच्चा नहीं होगा। जी थोड़ी देर बीच है, मैं 6 बजे से मैं बोली मैं बाथरूम कर आया हूँ। हाँ 13 तारीख है तो मेरे तो दिमाग ना कर रहा काम। अब आप क्या, आप कैसी कंडीशन है? अब कंडीशन सर अभी तो ऐसी कंडीशन है उसकी, अभी तो नहीं पता मेरा बच्चा है नहीं, बार बार पूछ रही है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा दिखाओ मुझे, मेरा बच्चा मुझे दिखाओ। डॉक्टर बोले आपको पता है मैं बच्चेदानी निकड़ चुकी है, तो कह रही मेरी बच्चेदानी निकल, मैंने नहीं, हमने झूठ बोला मैंने कि नहीं, वो टाके टूके लगा दिए, इसका कुछ ना है, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा तेरा शीशे में दे रखा है, घबरा मत। अब आपकी मांग क्या है? अब मेरी मांग ये है उनको कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए, उनका सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, को इंसाफ दिया जाए सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी पेशेंट की बच्चेदानी निकाल दी है, बच्चा मार दिया सर इन्होंने, जानबूझ के इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, जानबूझ के इन्होंने हमारा बच्चा मारा सर, हमें हमारा बच्चा चाहिए, उन नर्सों को हमारे सामने पेश किया जाए सर, हमें आदर्श नगर के रहने वाले बिजली घर के डबल फाटक पर रेवाड़ी के। क्या मामला है पूरा? सर हम अपने पेशेंट को 12 तारीख की रात को यहाँ पे लेके आए गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए। सर उन्होंने डिलीवरी के लिए सही सब कुछ सही बताया, बच्चे की धड़कन सही बताई, सब कुछ सही बताया कि अभी टाइम है, करते करते 13 तारीख के सुबह 5-6 बज गए। मम्मी 6 बजे बाथरूम करने गई, उन्होंने चेक किया तो बोले अभी टाइम है, 8-10 बजे से पहले कोई डिलीवरी नहीं होगी। सर मम्मी 6 बजे बाथरूम करने गई, पीछे से हमारी पेशेंट को डिलीवरी रूम में ले गए सर, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, उन्होंने जबरदस्ती करी सर, जबरदस्ती करी, उसने बहुत ज्यादा, और सर ऊपर चढ़ के जो झाड़ू कर्मचारी है उससे उन्होंने उस स्टूल पे चढ़वा के उससे पेट भिजवाया, और सर बुलाने पेट भिजवा के, और सर ये करवाया उससे, कह रहे हैं हमारे पेशेंट से कि आंख बंद कर, हमारी पेशेंट आंख बंद करवा रहे, हमारे पेशेंट को बार बार थप्पड़ मारने लग रहे सर, बहुत जबरदस्ती करी, और नल की ओर चढ़ा रहे सर, बच्चा होने वाला नल की चढ़ा रहे सर, और सर इन्होंने कहा कि ना थोड़ी देर बाद में हमसे आगे कहते तुम्हारे बच्चे की धड़कन नहीं है, और कह रहे हैं कि बाहर निकल, मम्मी को बाहर निकाल दिया, और बोले तुम्हारे बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम अपने बच्चे को पेशेंट को कहीं भी ले जा सकते हो, रोहतक ले जाओ, चाहे कहीं प्राइवेट में ले जाओ। हमने कहा एकदम से ऐसा क्या हुआ, हमारी पेशेंट के सारे हाथ पैर ढीले हो गए, हमारी पेशेंट एकदम आग नीच के पड़ गई, उसका बीपी बहुत डाउन हो गया सर, इन्होंने लिख के भी नहीं दिया सर। हम अपने पेशेंट को, हमारी आशा वर्कर थी, हम अपने पेशेंट को प्रीति कत्याल के लेके गए, वहाँ पे उन्होंने तुरंत बोला कि अल्ट्रासाउंड करो रतन की, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उन्होंने बोला तुमने ऐसे क्या हुआ तुम्हारी पेशेंट के साथ में, तुम्हारे पेशेंट का बच्चेदानी फट चुकी है और बच्चा भी मर चुका है
सर प्रीति कत्याल ने सर्जन बुलाया, सर्जन नहीं मिले। सर उन्होंने कहा कि तुम अपने पेशेंट को कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ पे कोई सर्जन नहीं है, पुष्पांजलि में ले जाओ। सर हम अपने पेशेंट को पुष्पांजलि में लेके गए, पुष्पांजलि में जाते ही डॉक्टर बोले तुम्हारे पेशेंट की बहुत क्रिटिकल हालत है, ये क्या करके लाए तुम अपने पेशेंट के साथ। सर हमने उनको सारी बात बताई। सर उन्होंने हमने कहा सर हमारे पेशेंट कंडीशन क्या है, सर अभी हमारे पेशेंट ऐसे ही है, सर अभी हमारे पेशेंट को पता भी नहीं है, उसके बच्चे दाने निकाल दिए, उसका बच्चा मर गया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी हालत ठीक नहीं है, अभी पता चलेगी उसकी हालत। सर हमें सर कुछ लोग आए हैं, क्या पूरा मामला था, ये क्या कह रहे हैं? ये 12 तारीख की बात है, 12 तारीख की रात को जो भी स्टाफ ड्यूटी में था उनके साथ भी उन्होंने देखा, पेशेंट के साथ देखा, पेशेंट को देखा गया, पेशेंट को लेबर रूम में भी ले गए, तो अभी जो शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे दिल्ली में। चलो ये जो इनकी शिकायत मैंने सुनी है, एक व्यक्ति की बात सुन ली गई है कि किस तरह से है, जैसे ही है इनको बताया गया कि जैसे ही ये लेके आएंगे मुझे रिटर्न कंप्लेंट दें ताकि उसकी हम इंक्वायरी कर सकें, इसके लिए इंक्वायरी उठा दी जाएगी और जो डॉक्टर तीन डॉक्टर का बोर्ड बैठेगा जिसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके जो भी मामला सामने आता है, जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसकी कार्रवाई होगी, नहीं पाया जाता उसके लिए देखा जाएगा, जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई। लापरवाही की बात कही गई कि लापरवाही बरती गई है पेशेंट के साथ? जी, जो ये कह रहे हैं लापरवाही बरती गई है, इसीलिए इनसे शिकायत करके हम इंक्वायरी उठाएंगे, इंक्वायरी में यदि लापरवाही निकलती है उसके लिए कार्रवाई। सर ये जो परिजन इनका ये भी कहना है कि डॉक्टर कोई नहीं था उस टाइम, जो नर्सें और फोर्थ क्लास थी उन्हीं लोगों ने जो डिलीवरी रूम में ले गए। कोई बात नहीं, जो भी बात होगी वो सामने आएगी, हमारे पास सीसी कैमरे हैं, उसको देखा जाएगा, खंगाल जाएगा, सब चीज़ होगी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा, जो भी इंक्वायरी करेगा वो सारी चीज़ हमें बताएगा, तो फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई।